पर हो रहा है नगर संकीर्तन, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा संगीतमय और सब लोग यहाँ पर खूब ज़्यादा राधे कृष्ण के उसमें मग्न हो चुके हैं। फिर सभी पूरे नगर में इस तरह से, मतलब जहाँ पर हो रहा था, सुंदर नगर नाम है जगह का, तो पूरी सब जगह पे गली नुक्कड़ पे इस तरह से कान्हा जी को रख करके दर्शन हुए। उसके बाद यहाँ देखिए शिवालय है, भोले बाबा का मंदिर है जहाँ पर हम लोग जाएंगे। तो इस्कॉन के महाप्रभु जी, जो हमारे प्रभु जी हैं, वो आए हुए हैं, उनका संकीर्तन का दान होगा। तो देखिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं पंडाल में, और यहाँ पर लगभग 400 से 500 दिए आए थे, तो वो दिए सब लोग कान्हा जी को दिया दिखाएंगे और सभी लोग आरती करेंगे। तो चलिए हरि बोल। और अभी रात के बज रहे थे वही 8:30, तो हम लोग यहाँ पर चले गए थे 5 बजे, 5:30 के लगभग चले गए थे। और यहाँ पर ना महाप्रसाद की व्यवस्था भी थी, और रात में घर आते आते बज गए थे 9:30। उसके बाद एडिटिंग वगैरह गई और फिर सो गई थी। फिर अगले दिन का ब्लॉग है ये, तो अभी नहा धो करके आ चुकी हूँ, तो यहाँ पर मेरी सुबह की चाय बन रही है। और आज ना एक्सरसाइज कर नहीं पाई हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिला, सुबह बच्चों को भेजा, टिफिन विफिन तैयार किया, उसके बाद घर के सारे काम टाइम। तो मेरे को ज़्यादातर ऐसा होता है कि मुझे सुबह ना टाइम कम ही मिल पाता है, कभी कभी जब कोई नहीं होता ना, बच्चे स्कूल चले जाते हैं और पतिदेव भी घर पर नहीं होते, तो भले मैं एक्सरसाइज कर पाऊँ, अगर घर पर सभी लोग होते हैं, सभी लोग मतलब हस्बैंड जी, तो क्या है पूरा ज़्यादा थोड़ा रूटीन जो है मेरा बिजी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ भरवा तोरई, जिसमें देखिए मैंने प्याज और हरी मिर्च लहसुन नहीं डाला है, भुना हुआ मैं मसाला रेडी रखती हूँ वो डाल दिया, हल्दी मिर्चा गरम मसाला सब कुछ, आमचूर पाउडर सब डाल दूंगी। उसके बाद मिक्सी में पीस लेती हूँ, और मिक्सी ना मैं सेट करके नहीं रखती हूँ क्योंकि ना मेरे इस पे स्लैब पे जगह थोड़ी सी कम है, तो मैं उधर ही साइड में उसको पूरा फिट करके अलमीरा में रखती हूँ, जब मुझे पीसना होता है तो फिर मैं डाल लेती हूँ। और चाय में ना ये बोल रहे थे थोड़ी सी काली मिर्च डाल दो क्योंकि थोड़ा गला ठीक नहीं लग रहा है इसलिए, और अदरक तो थी नहीं, तो बस ये पीस लूँगी और उसके बाद फिर भरवा तोरई यहाँ पे छौंक दूँगी, उतनी देर में हम पियेंगे चाय। और चाय के साथ में अभी मैं बनाऊँगी पोहा, तो चाय बन जाए, गैस खाली हो जाए, उसके बाद क्योंकि इनकी ना आने वाली थी ड्यूटी, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है। और अभी बजे 8:30 ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो खैर घर के सारे काम हो गए, बस खाना पकाना ही बचा है। और मेन चीज़ है ना, तोरई वगैरह भरने बनाने में थोड़ा सा समय जाता है, लेकिन अगर ये मैं जिम्मेदारी निभा लूँ तो फिर मेरे को इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। और आज एक्सरसाइज की नहीं है, तो एक्सरसाइज मेरी शाम के टाइम पर होगी, लेकिन होगी ज़रूर, मैं मिस करूँगी ही नहीं, आप देखिएगा। तो यही होता है मेरा डेली रूटीन, कि क्योंकि हम महिलाएं ना इतना ज़्यादा घर परिवार में अपने बाल बच्चों में बिजी हो गई है ना, कि अपने खुद
खुद के बारे में एकदम ध्यान रखना हो ही नहीं पाता। अगर चाह भी लेना कि चलो कर लेते हैं एक्सरसाइज, तो कहीं ना कहीं कहीं खाना छूट रहा है, कहीं कुछ छूट रहा है, कहीं घर के कोई काम छूट रहे हैं। तो सुबह से शाम इतना ज़्यादा हमारी लाइफ व्यस्त होती है कि हम कर ही नहीं पाते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ अपने खुद के साथ इतना दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि हमें स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई किसी का साथ नहीं देता है, आपको खुद को पता है। ये चीज़ मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर खुद का शरीर सही है तो पूरी दुनिया आपका साथ देगी, आपके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन अगर आपका शरीर साथ नहीं देगा तो कोई साथ नहीं देगा। ध्यान रखिएगा, एक माँ ही ऐसी है जो आपका साथ दे सकती है, वरना पूरा दुनिया सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ पे टिकी हुई है कि आप उनका कर रहे हैं तो वो आपका कर रहे हैं। बस यही दुनिया एक ऐसी है। तो दुनिया में रह करके अपने इस स्वास्थ्य का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, और बस सिर्फ और सिर्फ अगर 20 से 25 मिनट डेली के निकाले तो हमारे लिए उतने ही बहुत हैं। तो अभी बज रहे हैं 11 बज रहे हैं, और पतिदेव की 11:15 की ड्यूटी आई है, तो ये जाएंगे ड्यूटी। तो मैंने यहाँ पर तोरई की सब्जी, रायता सब बना दिया था, तो दाल वाल तो नहीं बनाई, रायता आयता बनाया, क्योंकि बच्चे मेरे रायता अच्छे से खाते हैं। और अभी शाम के बज रहे हैं 3:30 बज रहे हैं, बच्चे मेरे स्कूल से आ गए हैं, खाना खा रहे हैं। तो बस अभी मैं थोड़ी देर में खाना उनको दिया, बच्चे 2:45 पे आए, खाना दिया, उसके बाद मैं लग गई थी। तो अभी मैं एक्सरसाइज करूँगी, और बैटरी मेरी लगी हुई है इसलिए, क्योंकि मैं 4 बजे निकलूँगी बेटी को ट्यूशन छोड़ने के लिए, 4:15 के लगभग निकलती हूँ, और अभी 3:15 के लगभग हो रहा होगा, मैंने टाइम नहीं देखा था। तो यहाँ पर मैं कर ले रही हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि इस समय पेट एकदम खाली होता है। खाना मैंने 12 के लगभग खाया था, 12:30, तो बस पेट हमारा खाली होना चाहिए। तो बस मैं इसी तरह से अपने 32-बार फार्मूला को अपना पा रही हूँ। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि कुछ खाए ना पिए ना, सब कुछ खाइए, हर चीज़ खाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे दिन मुँह चलाइए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा हर चीज़ का टाइम फिक्स होना चाहिए। फिक्स मतलब एक्सरसाइज आप कभी भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाना खाने का अगर 1 बजे आप खाते हैं तो अगले दिन भी 1 बजे ही खाइए। कोशिश करिए 1:15-1:30 के बीच में खा लीजिए, ऐसा नहीं है कि उसी टाइम पे, क्योंकि हम लोग का क्या है, घर के काम निपटा लेते, सब सारे काम कर लेते, तभी जाके हम अपने बारे में सोचते हैं कि चलो अब खा लेते हैं, तैयार होते हैं, नहा लेते हैं, ये सब चीज़ें एक्सवाइजेड। तो बस यही है कि अगर हमने किसी भी चीज़ का रूटीन कर लिया ना, तो अपने आप वेट घटने लगेगा। आपको बिल्कुल भी भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा कोई डाइट करने की ज़रूरत नहीं है। डाइटिंग पे बहुत सारे लोग चले जाते हैं, भूखे रहते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ना करिएगा कृपया करके, क्योंकि भूखे रहने से आपका वेट और बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात है आप कमज़ोरी आ जाएगी, आप कहीं ना कहीं और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो वेट कम करने के चक्कर में बीमार नहीं होना है। तो मैं आपको बताऊँ, मैं सब कुछ खा रही हूँ, आपने देखा मैंने प्लेट भर के पोहा खाया, खाना खाया, सारा कुछ मैं पूरे दिन खा रही हूँ, फल खूब सारे खा रही हूँ, सब कुछ खा रही हूँ, लेकिन साथ में बस एक्सरसाइज कर रही हूँ और टाइम टू टाइम अपनी चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ। तो बस यही अपने जीवन में अगर उतार लिया तो बहुत ही अच्छा जीवन हमारा होने वाला है। देख सकते हैं कि अभी मेरी बहुत अच्छी स्पीड बन गई एक्सरसाइज की, क्योंकि मेरे को एक्सरसाइज करनी नहीं आती थी। मैं भी आप सब की तरह हाउस वाइफ हूँ, डरपोक सी हाउस वाइफ हूँ, तो प्लीज़ मेरी बातों को मजाक लीजिएगा। तो बस हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा मतलब 1 लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी करिए, साथ ही साथ घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास हमारे सारे नोटिफिकेशन आ सकें और आप हमारी सारी वीडियो को देख सकें। तो हमारे इस तरह से वेट लूज जर्नी के वीडियो बहुत सारे पड़े हैं, आप जाइए चैनल में चेक करिए, आपको हो सकता है आपको बेनिफिट हो जाए, या आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार को बेनिफिट हो जाए जो किसी न किसी प्रॉब्लम से, किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो बस देख सकते हैं इस तरह से, ये जो है ना, ये हमारी थाइस को, हमारी कमर को कम करता है। और ये देखिए इस तरह से, अगर आप पैर उठाएंगे तो शायद नहीं उठता है, लेकिन एक दुपट्टे की सहायता से आप एक्सरसाइज करेंगे ना तो बहुत अच्छा कर पाएंगे, आपका एक कमान बनेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि शरीर के अंदर एक चुस्ती, बहुत ही मतलब एक्टिव महसूस करेंगे। घर में अगर पूरा दिन भी काम करेंगे ना तो बिल्कुल भी थकेंगे नहीं। तो चलिए फिर आपसे मिलूंगी मैं एक प्यारे से ब्लॉग के साथ।